सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को कई बार घेरा। राहुल गांधी के दलाली वाले बयान पर अमित शाह का कड़ा एतराज, बोले घोटाले करने वाले कांग्रेस के उपाध्यक्ष को नहीं पता कैसे वो शब्द का इस्तेमाल। ये राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है। अगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। अमित शाह के हमले के बाद राहुल के बचाव में उतरी कांग्रेस, कपिल सिब्बल का अमित शाह पर पलटवार, कहा आतंक के कैंसर का इलाज करिए सियासत नहीं। हम तो मोदी जी के साथ हैं कि किसी तरीके से ये कैंसर खत्म हो। सेना की जो कामयाबी है उस पे राजनीति बंद करो। कपिल सिब्बल के बयान पर बिफरी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले देशभक्त पर भारी है राहुल भक्ति। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है। शंकर प्रसाद के बयान के बाद कांग्रेस ने फिर किया पलटवार, रणदीप सुरजेवाला बोले अमित शाह ने झूठ बोला, माफी मांगे बीजेपी अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह फौरी तौर से इस देश की सेना से माफी मांगे, इस देश के लोगों से माफी मांगे। उन्होंने मीडिया के साथियों के समक्ष पूरे देश को गुमराह करने का आज सुबह जो षड्यंत्र किया था। राहुल के बयान पर केजरीवाल ने भी दलाली वाले बयान पर बवाल के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके दी सफाई, कहा सर्जिकल ऑपरेशन का समर्थन लेकिन सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध। कल सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम पर किया था हमला, कहा था जवानों के खून की कर रहे हैं दलाली। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अमित शाह ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थन वाले ट्रेंड का जिक्र किया। राहुल गांधी के बयान को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, पटना से लेकर कानपुर तक विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने मनोहर पर्रिकर के खिलाफ दर्ज कराई देशद्रोह की शिकायत, सेना के अपमान का आरोप लगाया। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को लेकर राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में ली उच्च स्तरीय बैठक, चार राज्यों के डीजीपी के साथ माथापच्ची। आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बनेगा अभेद कवच, सरकार ने 2 साल के अंदर भारत पाकिस्तान सीमा को सील करने का प्लान बनाया। पाक सीमा पर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का होगा गठन। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप चाहता है हुर्रियत, मीडिया को मेमोरेंडम जारी करके अपील की। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के खिलाफ केस दर्ज, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला। एक दिन पहले श्रीनगर से आसिया अंद्राबी को किया गया था गिरफ्तार, युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए उकसाने का आरोप। 3 महीने में 100 से ज्यादा अलगाववादी नेता लिए गए हिरासत में, गिलानी घर में नजरबंद, मीरवाइज को रखा गया जेल में। लगातार 3 महीने के तनाव ने तोड़ी कश्मीर घाटी की कमर, हिंसा में अब तक 93 लोगों की मौत, करीब 13,000 घायल। श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए जारी किया गया अलर्ट, सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ने पुलिस प्रमुख को चिट्ठी लिखी। पोरबंदर नेवल बेस पर धमाके में सुरक्षा एजेंसियों में सनसनी, जांच में मिला कोई संदिग्ध सामान। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर जारी है कड़ी चौकसी, रेगिस्तान में ऊंटों पर सवार होकर बीएसएफ के जवानों की सरहद पर पैनी नजर। चेन्नई में जयललिता से अस्पताल में मिले राहुल गांधी, कहा जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तमिलनाडु के सीएम। एआईएडीएमके ने जयललिता की सेहत को लेकर जारी की सफाई, कहा जल्द घर लौटेंगी, 22 तारीख से अस्पताल में भर्ती। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी। यूपी में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी दया शंकर सिंह की पत्नी, मायावती से अपशब्द के मामले में पति का किया था जोरदार बचाव। गुजरात में केजरीवाल का बड़ा सियासी प्लान, पटेल आंदोलन के दौरान मारे गए युवकों के परिजनों से मिलेंगे दिल्ली के सीएम। बिहार में नीतीश की शराबबंदी योजना पर बैन को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जारी रहेगा हाजी अली के गर्भगृह तक महिलाओं की एंट्री पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। ट्रिपल तलाक पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा महिला पुरुष में नहीं हो सकता भेदभाव। निठारी केस के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को नंदा देवी मर्डर केस में मौत की सजा, इससे पहले सभी 5 मामलों में मिल चुकी है मौत की सजा।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला से निकाले जाने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला। रेप केस में फंसे बिहार में आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। राजबल्लभ यादव पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका। पूर्व डीजी बीके बंसल सुइसाइड केस में सीबीआई पर आरोपों की जांच शुरू, जांच एजेंसी के अधिकारियों से हो रही है पूछताछ। ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा गांव में फिर लगा नेताओं का जमावड़ा, रवीन के परिवार वालों से मिलने पहुंचे महेश शर्मा और संगीत सोम। बिसेड़ा में दो दिनों बाद सरकार ने ली राहत की सांस, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के दखल के बाद अखलाक के आरोपी के परिजनों ने खत्म किया धरना। एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक खुदकुशी से मेरठ में हड़कंप, मौत की नींद सो गई 3 पीढ़ियां। घर से मिली बुजुर्ग दंपत्ति बेटे बहू और पोते की लाश, पुलिस के मुताबिक कर्ज के चलते आपसी सहमति से दे दी जान। 70 साल के थे कारोबारी मोहन अरोड़ा, पुलिस के मुताबिक खुदकुशी से पहले साथ बैठकर पूरे परिवार ने लिया सुइसाइड का फैसला। गोवा में एक फ्लैट में मिला महिला का शव, 39 साल की मोनिका बोर्डे के रूप में हुई पहचान। बेंगलुरु में सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हादसा, स्कूटर से गिरे शख्स के ऊपर से गुजर गई बस, युवक की मौके पर ही मौत। यूपी के फतेहपुर में 2 ट्रैक्टरों की टक्कर, 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 6 घायल। यूपी के आजमगढ़ में बाइक पर पत्नी के साथ जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस को वारदात के पीछे पारिवारिक रंजिश का शक। यूपी के कौशाम्बी में युवक की हत्या के खिलाफ हंगामा, सड़क पर शव को रखकर जाम लगाया। चेन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र की खुदकुशी से हड़कंप, पंखे से झूलती मिली लाश। पंजाब के तरन तारण में एक महिला की बहादुरी, दुकान में घुसे लुटेरों को खदेड़ा, पति और ससुर की जान बचाई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्कूल वैन और कार में टक्कर, पहली क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत, 7 बच्चे घायल। राजस्थान के पाली में 2009 हत्याकांड में 5 लोगों को मौत की सजा, जमीन विवाद में मुंह में तेजाब डालकर हुई थी 4 लोगों की हत्या। रोहतक की गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा नहीं मिला इंसाफ तो दे दूंगी जान। हरियाणा के गुड़गांव में हैवानियत की हद, 6 साल की मासूम के साथ गैंगरेप, बच्ची की हालत गंभीर। यूपी के देवरिया में महंगे स्मार्टफोन के चक्कर में युवक की हत्या, दोस्त ने किया दोस्त का कत्ल। अहमदाबाद में स्कूटी सवार लड़की की सड़क हादसे में मौत, ऑटो ने मारी टक्कर। डबल मर्डर से दहला यूपी का बाराबंकी, अवैध संबंध के शक में महिला और पुरुष की हत्या। हरियाणा के सोनीपत में युवक और युवती ने फांसी लगाकर दी जान, 21 दिनों से घर से लापता थे दोनों। कोटा में ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने दी जान, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखे की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों के 2 गुटों में मारपीट, फसल सुखाने की जगह को लेकर बवाल। दिल्ली में सबसे युवा शॉर्ट मूवी फिल्म मेकर की संदिग्ध हालत में मौत, 30 सितंबर को स्विमिंग पूल में गिरा था हर्षित चड्ढा। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या के आरोपी का मर्डर, मेडिकल कराने के दौरान हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बच्चों ने मनाया हाथी के बच्चे का जन्मदिन, घायल हालत में 7 साल पहले जंगल में मिली थी रजनी। आज दुर्गा के 6ठे रूप की पूजा, पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को झटका दिया, कहा क्रिकेट बोर्ड को माननी होगी लूढ़ा कमेटी की सिफारिश। 17 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, बोर्ड की को सिफारिश मानने का देना होगा लिखित आश्वासन। लूढ़ा कमेटी की सिफारिश नहीं मानने वाले राज्यों के बोर्ड पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त, फंड रोकने का आदेश, जिन्हें पैसा मिल चुका है उन्हें देना होगा हलफनामा। कल से इंदौर में शुरू हो रहा है तीसरा और आखिरी टेस्ट, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया। तीसरे टेस्ट में गौतम गंभीर को मिलेगा मौका, 2 साल बाद होंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा, इंदौर में कप्तान विराट कोहली का ऐलान।
विराट कोहली ने कप्तानी के सबसे चुनौती भरे अनुभव का किया खुलासा, कहा सीख गया हूं बेकाबू हालात को काबू में करना। सचिन तेंदुलकर ने खिलाड़ियों को दिए टिप्स, कहा मैदान में अपनी कमजोरियों को छिपाना है बेहद जरूरी। सुस्त रही देश में स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी, 65,789 करोड़ रुपए के साथ खत्म हुई बोली। प्रवासी भारतीयों की ओर से भेजी जाने वाली रकम इस साल हो सकती है 5% की गिरावट, वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट में जिक्र। अब यात्रियों के मोबाइल लैपटॉप का बीमा करने की बना रहा है योजना IRCTC, 92 पैसे के ट्रैवल इंश्योरेंस की सफलता से उत्साहित रेलवे। मुंबई में देश की सबसे बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी डील 6,700 करोड़ में कनेडियन कंपनी ब्रुकफील्ड असेंट मैनेजमेंट ने हीरा नंदानी ग्रुप से खरीदा रिटेल स्पेस। सितंबर में 4.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री, इस साल करीब 20% की बढ़ोतरी। सितंबर में 2,78,000 वाहनों की बिक्री, कारों की बिक्री में 15% की बढ़ोतरी। 45 अंकों की गिरावट के साथ 28,061 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी भी 12 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,697 पर बंद। रेपो रेट में कमी का दिखा असर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ब्याज दरों में मामूली कटौती। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस को शांति का नोबेल पुरस्कार, उग्रवादी संगठन FARC में शांति समझौते के लिए मिला सम्मान। 15 अक्टूबर को अमेरिकी हिंदुओं को संबोधित करेंगे रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, कश्मीरी पंडितों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा कार्यक्रम। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांक्वा ओलांदे ने ब्रिटेन को दी चेतावनी, कहा यूरोपियन यूनियन छोड़ने की चुकानी होगी कीमत। ओलांदे की चेतावनी के बाद इंग्लैंड के बाजार में हड़कंप, यूरो और डॉलर के मुकाबले पाउंड की कीमत में करीब 6% की गिरावट। अगले महीने भारत की यात्रा पर आएंगी इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, 7 से 9 नवंबर के बीच होने वाली इंडिया यूके टेक समिट में हिस्सा लेंगे। फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है मैथ्यू, 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, तटीय इलाकों में भारी बरसात। पिछले 10 सालों का सबसे खतरनाक तूफान है मैथ्यू, फ्लोरिडा के तटीय इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए। इफ यू आर वाचिंग, सामने आया क्यूबा में मैथ्यू तूफान के कहर का वीडियो, अब तक करीब 339 लोगों की जान ले चुका है समुद्री तूफान। पूर्वी चीन में कुएं में फंसे 2 मजदूर 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिंदगी बची। टर्की के इस्तांबुल ब्लास्ट मामले में 6 गिरफ्तार, पुलिस स्टेशन के पास मोटरसाइकिल में धमाका हुआ था।